लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद हिमाचल के तिब्बत सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिला किन्नौर और स्पीति के सीमांत इलाकों के गांव में हालांकि सन्नाटा छाया है, लेकिन लोगों का कहना है कि देश की सीमाओं पर अशांति फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। हालात को देखते हुए तिब्बत सीमा क्षेत्र के ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। घरों से बेवजह बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। सीमा क्षेत्र के ग्रामीण चाहते हैं कि शांति बनी रहे। सीमाओं पर विवाद की स्थिति में चाइना बॉर्डर के नजदीक की बस्तियों को खाली करने के फरमान हो सकते हैं। ऐसे में पलायन का खतरा उन्हें सता रहा है। भारत तिब्बत सीमा बॉर्डर शिपकेला के समीप नमग्या गाँव में लोग काफी सहमे हुए हैं और गाँव में सन्नाटा है। नमग्या गाँव के अविनाश नेगी ने बताया कि ये चाइना बॉर्डर का लास्ट गांव है। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली है कि चाइना और भारत के बीच सीमा विवाद चला हुआ है। हमारा गांव आखिरी सीमा पर है। सरकार की ओर से उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हम भी सतर्क हैं और हम चाहते हैं कि चीन का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पुलिस पोस्ट नमग्या के प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि ऊपरी आदेश है कि गांव को अलर्ट किया जाए। लोगों को घरों के भीतर ही रहने के लिए कहा गया है। उन्हें सीमा क्षेत्र में न जाने की हिदायत दी गई है। हालांकि अभी क्षेत्र में बिल्कुल शांति है। हमें हाईलूल से आदेश आया जी कि भी यहां अलर्ट किया गया है गांव को। सब गाँव वासी को चौकस किया कि गाँव से बाहर ना जाए, अपने गाँव घर के भीतर रहे। बाकी वैसे यहाँ शांति है, कोई ऐसे वैसे वो है नहीं। नोरबू छोरिया पूर्व प्रधान नमग्या ने बताया कि जैसे लद्दाख के गलवान घाटी में 20 सैनिक शहीद हुए, उसके बाद क्षेत्र में टेंशन बढ़ी है। यहां के लोगों में भी इस बात को लेकर डर है। कल को अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो सीमा क्षेत्र के गांव को खाली कराया जाएगा। हम चाहते हैं कि शांति दोनों ओर से बनी रहे। अभी पता चला है कि दोनों ओर से गतिविधियां तेज हो गई हैं। दो चार दिनों से हमारे इलाके में भी सेना की गतिविधियां बढ़ी हैं और चाइना की ओर से भी उनके लापचा पोस्ट पर सैनिक गतिविधियाँ तेज हुई है। तो जहाँ से अभी जैसे गलवान घाटी में कल जो हमारे 20 सैनिक हमारे शहीद हुए, उसके बाद यहाँ पर जो टेंशन है वो काफी बढ़ गई है सर। और अब हमें जो यहाँ के हमारे विलेजर्स, हम खुद भी डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि कल को अगर लड़ाई की स्थिति होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें यहाँ से हटा देंगे। तो हम चाहते हैं कि जब जितना हो सके यहाँ पर शांति दोनों साइड से बनाए रखे। और अभी अभी हमारे यहाँ पर दोनों साइड से मुझे ऐसा पता लगा कि टेंशन काफ़ी बढ़ गई है। हमारे यहाँ भी फोर्सेस काफ़ी दो चार दिनों से मैं देख रहा हूँ काफ़ी बढ़ चुकी है। और सुनने में आया कि इनका भी पीछे आपकी जो चाइना आर्मी का जो लोपचक कैंप है वहाँ भी काफ़ी गतिविधि आजकल बढ़ चुकी है सर। तो कोई प्रशासन की ओर से आपको अलर्ट जारी किया गया है? प्रशासन की ओर से तो अभी कोई अलर्ट जारी नहीं किया, लेकिन अभी प्रशासन की ओर से कल मैं शाम को न्यूज़ सुन रहा था कि हमारी हिमाचल सरकार ने भी यहाँ के जितने बॉर्डर एरिया के प्रशासन को और पुलिस को और जितने भी CID जो भी है इंटेलिजेंस ब्यूरो सबको अलर्ट रहने के लिए कहा है। योगराज ने बताया कि चीन सीमा के साथ सटे गांव में रहते हैं। आजकल चीन द्वारा हमारे सीमा क्षेत्रों में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सेना काफी सशक्त है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। केंद्र में मोदी सरकार भी सशक्त है और स्थानीय लोग भी सरकार और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मदद के लिए तैयार हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं आजकल कि हमारे बॉर्डर पे चाइना द्वारा अशांति फैलाने की जरूर यहाँ कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अशांति फैला रहे हैं जैसे चाइनीज सैनिकों द्वारा, लेकिन यहाँ पर अशांति ज़रूर लेगी, लेकिन हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे केंद्र में भी बिल्कुल सरकार मजबूत है और यहाँ पर स्थानीय लोग भी बिल्कुल हमारे आर्मीज़ के साथ है और हम सरकार के साथ बिल्कुल डटकर हम चाइना के विरोध में हम बिल्कुल खड़े हैं और हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है चाइना को। तो हमें बिल्कुल यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉर्डर कौन सा पड़ता है यहाँ पे सामने? यहाँ पर ये जो सामने देख रहे हैं इस साइड को शिपकिला बॉर्डर पड़ता है और यहाँ पर ऋषि डोगरी पड़ता है, ये बिल्कुल चाइना के सटा हुआ है। जिलाधीश किन्नौर गोपाल चंद ने बताया कि बॉर्डर इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। शिपकिला आसपास सेना और ITBP की रिपोर्ट के अनुसार अभी शांति बनी है, लेकिन सभी उपमंडल अधिकारियों और पुलिस बल को तैयार रहने के लिए कहा गया है। मेरे पास सूचना है ITBP और आर्मी से, अभी तक वहाँ पे स्थिति जो बिल्कुल शांत है,
पीसफुल है, किसी भी तरह का वहाँ पे तनाव नहीं है। फिर भी एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हमने जितने भी जो हमारे पुलिस पोस्ट हैं, हमारे सब रीजनल मैजिस्ट्रेट्स हैं, उनको हमने आदेश दिए हैं कि किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए वो तैयार रहें, और पुलिस फोर्स भी जितने हमारे थाना क्षेत्र हैं इनको भी हमने अलर्ट कर दिया है। तो अभी तक यहाँ कोई इस तरह की कोई इस तरह का कोई तनाव वाली कोई स्थिति अभी तक हमें नहीं लग रही है।